अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का टेंसेस के पार्ट 5 में पास्ट इंडेफिनिट में आपका वेलकम है। इस टेंस में हम पढ़ेंगे कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और कहां काम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं, आपके सामने लिखी हुई है। दिस टेंस इज यूज्ड, इस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उन कामों के लिए। कौन से एक्शंस के लिए? उन एक्शंस के लिए, ठीक है, जो कि हमारे पास पास्ट में ही शुरू हुई थी और पास्ट में ही खत्म हुई। ठीक है, कोई ऐसा काम जो पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हुआ। इसकी एग्जांपल सबसे पहले आपके लिए स्टोरीज वगैरह होती है। जो भी स्टोरीज दुनिया में लिखी जाती हैं या बोली जाती हैं, वो तमाम के तमाम आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, क्योंकि वो शुरू भी पास्ट में हुई होती हैं और खत्म भी पास्ट में हुई होती है। हर टेंस को समझने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का जानना जरूरी होता है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का डिड है। ठीक है, लेकिन डिड को आप ये कि आपको समझना होगा, डिड आपके पास एक मेन वर्ब भी है जिसमें आपका डू, डिड और डन, डू जिसका फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। पर यहाँ पे हम डिड की एज हेल्पिंग वर्ब बात कर रहे हैं, एज मेन वर्ब बात नहीं कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट बाकी तमाम टेंसेस से इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि ये वो वाइड टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, जबकि पूरे टेंसेस जो भी हमारे पास जितने भी हैं 12 के 12 किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अलावा किसी भी टेंस में यूज नहीं होती। आप देखें इसका फार्मूला सिंपल टेंस सिंपल सेंटेंसेस बनाने का। यहाँ पे देखिए कि ई प्लेड ओकी, ये जो प्लेड आपके है ये प्लेड सेकंड फॉर्म है क्योंकि ईडी वाले हमारे पास जो वर्ब्स है उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं और ईडी लगने से उनका थर्ड फॉर्म भी बनता है, तो पता नहीं चल सकता कि प्लेट थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। पर रूल्स के मुताबिक हमें यही देखना होगा कि सेकंड फॉर्म हमें लगाना है, थर्ड फॉर्म नहीं लगाना। इसका अंदाजा आप एक ऐसे सेंटेंस में ले सकते हैं जैसे कि ई फ्लू, ठीक है, ई फ्लू काइट, ठीक है, ई फ्लू काइट। तो फ्लू हमारे पास सेकंड फॉर्म इररेगुलर वर्ब्स में आप अंदाजा लगा सकते हैं, फ्लू अलग है। इसी तरह और भी हमारे पास कुछ वर्ब्स है जिनके फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है, जिन्हें हम इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं, जबकि ईडी वालों को हम रेगुलर कहते हैं। तो ये दो रेगुलर वर्ब यहाँ पे यूज हुए, कुक्ड, सो दे कुक्ड फूड। एक सेंटेंस आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिड हमारे पास एक मेन वर्ब भी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है वैसे कि मेन वर्ब की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से यूज करेंगे एज ए मेन वर्ब। यहाँ पे आप देखें ई, ठीक है, एज अ मेन वर्ड इसका मतलब है कुछ भी करना। ई डिड इज वर्क, तो इस सेंटेंस में डिड का मतलब है कि उसने अपना काम किया, एज एन हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, एज अ ये मेन वर्ब आ रहा है और मेन वर्ब डू का सेकंड फॉर्म, एज सेकंड फॉर्म ऑफ डू यहाँ पे आ रहा है जिसका मतलब है उसने अपना काम किया। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मली यही कहा जाता है कि पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, जबकि बाद वक्त डिड लिखकर कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये तो डिड आया, आप लोगों ने कहा डिड नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आप जवाब में यही बता सकते हैं कि डिड यहाँ पे एज एन हेल्पिंग वर्ब नहीं, एज अ मेन वर्ब आया है डू के सेकंड फॉर्म बन के। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला हमारे पास बाकी टेंसेस की तरह रहेगा। देखिये सब्जेक्ट आपका है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है। मेन पॉइंट आपको यही याद रखना है कि नेगेटिव में जब डिड आ जाए और नॉट आ जाए तो प्ले के प्लेट से ये प्ले बन जाएगा दोबारा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज होगी नेगेटिव सेंटेंसेस में। ये पास्ट इंडेफिनिट बाकी तमाम टेंसेस से इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि इसके अंदर कुछ यूनिक इसके फीचर्स है जो आप देख सकते हैं आपके सामने है। इसमें कुछ ऐसे रूल्स है जो मुख्तलिफ हो रही है बाकी तमाम टेंसेस से, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ई डिड नॉट प्लेट नहीं कहेंगे, ई डिड फूड, ठीक है, ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस है। जबकि आप इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो डिड ई प्ले क्रिकेट, तो यानी कि सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल टेंस में इसका आ रहा है, ना नेगेटिव में आ रहा है और ना आपके पास इंटरोगेटिव में आ रहा है, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिड दे कुक फूड, वही सेंटेंसेस आपके सामने है। बाकी फॉर्मल सेंटेंसेस देख लेते हैं। डिड ई, उसी तरह का बिल्कुल वही सेम फार्मूला है। ठीक है, ये देखें आपके सामने है, डिड ई नॉट गो टू बाजार, ठीक है, और इसी डिडंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिडंट के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इंग्लिश क्योंकि हम बोलते हैं तो बेसिकली इंग्लिश हमारे पास दो तरह की होती है मेनली। एक हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश हम जिसको कहते हैं और एक हमारे पास होती है अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों के प्रोनंसिएशन में जरा हमारे पास डिफरेंसेज हमें मिल जाते हैं। तो डिडंट हम इसको भी पढ़ते हैं और डिडंट भी पढ़ते हैं। तो डिडंट हम इसे ब्रिटिश प्रोनंसिएशन में पढ़ते हैं जबकि डिंट इसे हम अमेरिकन प्रोनंसिएशन में पढ़ते हैं। तो डिंट अमेरिकन,
डिडंट ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है आपकी, जो भी आप पढ़ना चाहे। भारत डिड नॉट को डिंट या डिडंट पढ़ सकते हैं, डिडंट ई गो टू बाजार इसे ऐसे लिखा जाता है। तो ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है, इसकी यूजेज को देख लेते हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को आप यूज करते हो कोई भी ऐसी रूटीन बताने के लिए जो आप रोजाना करते हो, जबकि पास्ट इनडेफिनिट टेंस को आप एज एन एग्जांपल अगर समझना चाहें तो हमने पास्ट की डेली रूटीन लिखी है, जो डेली रूटीन मेरी पास्ट में थी, पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में ही खत्म होती थी, अब नहीं है। जैसे कि कोई आपसे पूछे आपके दो साल पहले डेली रूटीन क्या थी, तो आप उसे कुछ इस तरह से बताएंगे, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता था, उठा, टुक अ बाथ, मैंने बात ली, यानी कि बात का मतलब ये है कि हाथ पैर धोए, ठीक है। ऑन द वे टू द स्कूल आई सॉ अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है, एक गाड़ी मैंने देखा, आई डिड नॉट नो द नेम ऑफ दैट कार, उस गाड़ी का नाम मुझे नहीं पता था, डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है। व्हेन आई डिस्क्राइब्ड ऑल दैट टू माय फ्रेंड, डिस्क्राइब्ड आपका टेंस आया, फिर जब मैंने अपने दोस्त को उसके बारे में बताया, ही टोल्ड मी दैट द कार वाज ओडी, उसने मुझे बताया कि गाड़ी का नाम ओडी था। आफ्टर टेकिंग माय क्लासेस एट स्कूल आई केम होम, मैं घर आया, पास्ट इनडेफिनिट एंड टुक अ शॉर्ट नैप, पास्ट इनडेफिनिट थोड़ी देर तक सो गया। इन द इवनिंग आई डिड माई होम वर्क, इवनिंग में मैंने अपने काम किए, डिड एज आपका मेन वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, आई टुक, चाहिए यहाँ पे लिख के मेन वर्ब, आई टुक माई डिनर एंड स्लेप्ट सून आफ्टर दैट, ठीक है। तो ये आपका पास्ट इनडेफिनिट टेंस था, मुझे उम्मीद है ये क्लियर होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।